गाइज, घर पे बैठ के हम कितना क्रिएटिविटी कर सकते हैं उसका मैं आज आपको एक आइडिया दिखाने वाला हूँ। और गाइज, इस टाइप के कॉन्सेप्ट जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपकी सोचने की जो पावर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको चीज़ों को क्रिएट करने में, नई नई चीज़ों को क्रिएट करने में। आपके उसी क्रिएटिविटी पावर को, उसी सोचने की पावर को इस वीडियो में एक नए लेवल पर लेके जाने वाले हैं। आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्या हम घर में किसी भी नॉर्मल पिक्चर को फ़ोन से क्लिक करके क्या हम उसका मूवी पोस्टर बना सकते हैं, वही आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये मैंने एक पिक्चर क्लिक किया है, ये एक बॉल है, इससे मेरा बेटा खेलता है छत पे, और ये छत पे खेल रहा था तो मैंने ये बॉल की पिक्चर क्लिक किया है ना। ये सिंपल सा बॉल है, तो क्या ये वो फोटो है? क्या हम इस सिंपल से इमेज से, है ना, जो हमने अभी अभी छत पे क्लिक किया था, क्या हम इसको यूज़ करके एक मूवी पोस्टर बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इसके लिए हम इसको सीधा लेके चलते हैं फोटोशॉप में, ठीक है, सीधा ओपन विथ फोटोशॉप। यहाँ पे मैंने इसको ओपन विथ फोटोशॉप कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड से इसको अलग करना है, तो इसके लिए सिंपल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का जो टूल होता है उससे मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग किया, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब सीधा शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट एंड मास्क, और थोड़ा सा इसका स्मूथ कर दिया हल्का सा, ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया क्रिएट लेयर मास्क, ठीक, तो इसका बैकग्राउंड हट गया और ये यहाँ पे आ गया। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो इस बॉल के मार्क्स आ रहे हैं, इस मार्क्स को हमें हटाने हैं। सिंपली क्लोन स्टैम्प टूल, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लिया, ऑल्ट प्रेस करके हम सिंपली ऑल्ट प्रेस किया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। आप इसको और अच्छे से हटा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। अब सीधा चलते हैं एक इसको एक नए लेयर पे लेके, कंट्रोल एन, 2000, थोड़ा सा पोस्टर जैसा फील देने के लिए 2000, और मैं यहाँ ले रहा हूँ 2500, रेजोल्यूशन 150 कर देता हूँ DPI इसका, ये आ गया अपने पास। अब इस पिक्चर को सीधा इसके ऊपर मूव करते हैं, ये यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा और बिगर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अब गाइज, मेरे माइंड में ये आइडिया आ रहा है कि ये राउंड है और ये रेड कलर का दिखता है, तो गाइज हम इसको साईफाई मूवी पोस्टर बना सकते हैं। मेरे माइंड में वही आइडिया चल रहा है। जैसे जैसे ये डिज़ाइन आगे बढ़ेगा आपको सब कुछ क्लियर समझ आने लगेगा, और आप खुद सोचने लोगे कि हाँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मेरे पास ये सिर्फ एक आइडिया है, आपके दिमाग में हज़ारों आइडिया आ रहा होगा कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बस आप वीडियो को देखते जाओ, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया, जो यूनिवर्स के वॉलपेपर होते हैं वो मैंने यहाँ पे वॉलपेपर निकाल कर रखा हुआ है, सिंपली मैं इसको इसके पीछे प्लेस कर रहा हूँ। आपको ये गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे पास इसका बंडल पड़ा हुआ है, मैंने परचेज़ किया था तो इसका बंडल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूनिवर्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये अब बन गया है एक प्लैनेट, है ना। अभी रियल नहीं लग रहा, लेकिन धीरे धीरे रियल लगेगा ये। अब मुझे इसके बैकग्राउंड को ब्लू को करना है रेड, तो कंट्रोल यू, और इसके बाद कलराइज, और इसको मैं इसका इसको रेड कर देता हूँ इतना, ठीक है, ओके। अब मुझे इसको प्लैनेट वाला फील देना है, ठीक है। तो आप अगर गूगल पे या कहीं भी आप सर्च करोगे ना टेक्सचर, मतलब प्लैनेट टेक्सचर, तो आपको बहुत सारे टेक्सचर मिल जाएंगे। मेरे पास भी एक टेक्सचर यहाँ पे रखा हुआ है, बस इस टेक्सचर को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये रहा वो टेक्सचर। इसको ऊपर लेके गए और इसको कर दिया राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये इसके अंदर आ गया। इसको थोड़ा सा बिगर कर लेता हूँ और ये यहाँ पे आ गया। अब इसका लेयर मोड चेंज करके देखो कहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे ये सही लग रहा है, और प्लैनेट वाला ये यहाँ फील भी आ रहा है। अब देख सकते हो ये बॉल था, हमने इसके टेक्सचर लगाया और ये प्लैनेट बन गया, ठीक। अब बारी आती है कि हमें इसके पीछे एक लाइट क्रिएट करना है ना, कि ऐसा लगे कि वो सन को ब्लॉक कर रहा है, इस टाइप का कोई लाइट क्रिएट करना। तो सिंपली हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रॉ किया और शेप को मैं इसके नीचे लेके जाऊँगा, ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया इतना, थोड़ा सा छोटा, और ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे शेप है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, तो फिर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ पे आउटर ग्लो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आउटर ग्लो। आप ग्लो बढ़ा सकते हो, आपको कितना ग्लो चाहिए, क्या चाहिए,
ओपेसिटी कितनी चाहिए, सब कुछ आप यहाँ से बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया इतना आउटर ग्लो। ठीक, अभी प्लैनेट जैसा आपको फील दे रहा होगा। ठीक, इसके बाद आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ऑप्टिकल फ्लेयर्स, जो ऑप्टिकल फ्लेयर्स आते हैं, या फिर आप खुद से फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो फिल्टर, रेंडर और यहाँ पे आपका आ गया लेंस फ्लेयर्स। ये भी ऑप्टिकल फ्लेयर्स जैसा ही काम करता है, लेकिन मेरे पास इसका बंडल है, मैंने इसको परचेज किया हुआ है, तो मैं सीधा उस बंडल में से एक फ्लेयर्स यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। सीधा मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप किया और ये यहाँ पे आ गया। फिलहाल इसको बंद करो और ये जो हमने पीछे जो लाइट बनाई है उसको मैं आधा डिलीट करने वाला हूँ। तो सीधा मास्क, ब्रश सेलेक्ट किया, ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया और इसको ब्लैक किया इधर और इधर थोड़ा सा डिलीट किया। ठीक, ये इस टाइप से कुछ आ गया छोटा। अब यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल फ्लेयर्स को इसको लेके गए, इसको सबसे ऊपर ले गए, है ना। इसका ब्लेंडिंग मोड हमने चेंज किया, देखो कहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे ये सही लग रहा था स्क्रीन लाइट में। अब यहाँ पे ले गए इसको। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा सा घुमाना है इधर। अब ये एक प्लेनेट जैसा फील दे रहा है ना। पहले ये क्या था, एक सिंपल सा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सिंपल सा एक बॉल था, है ना। अगर इसको मैं डिसेबल करूँ, ये बॉल था, हमने इसको कट किया और हमने इसको एक रेड प्लेनेट बना दिया। और ये सिंपल, बहुत ही कम टाइम में। अब हमें इसको एक मूवी पोस्टर का फील देना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा इस पर और टचअप करना चाहता हूँ। तो सिंपली मेरे पास एक और वॉलपेपर है, लाइट लीक बोलते हैं उसको, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो लाइट लीक्स, उसमें आपको बहुत सारी लाइट के लीक्स मिल जाएंगे, इस टाइप की लाइटिंग होती है। मैं सीधा इसको इंक्रीज कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूँ, तो ये अच्छा सा एक इफेक्ट बनाएगा। ये देखो, एक बढ़िया सा एक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जो कि हमें देखने में कूल लग रहा है। ठीक, अब आती है बारी यहाँ पे टेक्स्ट लिखने की। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं सब कुछ को फिलहाल बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको बस ऑन रखता हूँ। और गाइज, फॉन्ट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लियो सेंस। तो गाइज, अगर आपको फॉन्ट्स के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मेरा कोर्स टाइपोग्राफी आ चुका है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ है, 7 एपिसोड है और सिर्फ फॉन्ट के बारे में बताया है मैंने। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो पे। अब इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मूवी का नाम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो मूवी का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लैनेट रेड, है ना। तो मैं सर्च कर सीधा लिख रहा हूँ प्लैनेट, ठीक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रेड, छोटा किया, रेड का साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया। ठीक, इसके बीच का गैप को ज़ीरो कर दिया और इसका इसको कर दिया थोड़ा सा लाइट, या और इसको थिन कर दिया मैंने, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लैनेट लिखा हुआ है उसको भी मैं कर देता हूँ थिन, उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, लाइट हल्का सा लाइट को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लैनेट रेड। ठीक, अब जो हमारे पास पिक्चर थी उसको मैं एक बार विजुअल करके फील देखना चाहता हूँ कि कैसा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो एक फील आ रहा है और इसके ऊपर जब आप लेवल अप्लाई करोगे तो और अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम इतने से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं और ठीक कर सकता हूँ, इसमें देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। आई थिंक यही वाला ठीक लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही ठीक था। ओके, तो गाइस अब इस मूवी पोस्टर को और थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाते हैं, कुछ यहाँ पे लिखते हैं। तो सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने सिंपली कॉपी किया और मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया अ न्यू होम होप। ठीक है, अ न्यू होप, छोटा इसका अलाइनमेंट यहाँ पे रखा, अ न्यू होप, अ न्यू होम, और इसको मैंने एक साथ नहीं हल्का सा इसको इस तरीके से लिखा कि ये थोड़ा सा आगे पीछे लगे, और इसको मैंने कॉपी किया और इसको लाइट से मैंने हल्का सा मैं इसको मीडियम कर देता हूँ, रेगुलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ठीक लगेगा, यहाँ तक आ गया। अब इसके ऊपर एक टाइटल लिख देते हैं बढ़िया सा, यहाँ पे लिख दिया दिस अप्रैल सर्च
और इतना ही करते हैं, और नीचे आ जाएगा अ न्यू होप जो भी है, यहाँ पे आ जाएगा। इसका साइज़ इसके लेटर थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको मैं यहाँ पे सेंटर में डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मूवी पोस्टर का लुक आ रहा है, हल्का हल्का ये लुक आ रहा है, देख रहे हैं, और आएगा अभी धीरे धीरे। तो अभी इसका थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, हल्का सा छोटा, ठीक है। अब इसको सेंटर कर देते हैं सिंपली, इसको मैंने कर दिया सेंटर, ठीक है। अभी कुछ नहीं हमने किया है और ये यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक। अब जो पीछे का जो स्काई है और पीछे का जो यूनिवर्स है उसको मैं थोड़ा सा, वैसे ब्लू भी सही लग रहा है लेकिन मैं ब्लू लूँगा नहीं, मुझे रेड ही सही लग रहा है, तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक। अब इसके नीचे हल्का सा नाम लिख देते हैं, जैसे मान लो मैंने नाम लिख दिया शाहरुख खान, ठीक है। खान को नीचे ले लिया, शाहरुख को ऊपर, और इसको मैंने कर दिया नीचे, ठीक है। और इसको कॉपी किया और इसको थोड़ा सा नीचे किया और इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। बस आपको अलाइनमेंट सही से ध्यान देना है कि भाई अलाइनमेंट बढ़िया हो, तभी मज़ा आता है चीज़ों में। जब अलाइनमेंट ठीक रहेगा आपका पोस्टर अपने आप देखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। खान को हल्का सा बोल्ड, खान को रेगुलर नहीं, मैं इसको कर देता हूँ मीडियम, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। अब इसको एक बार कॉपी करो, इसको यहाँ ले आओ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ किसी और एक्टर का नाम, लाइक ब्रेड को बंद फिलहाल, और यहाँ पे मैं एक और नाम लिख देता हूँ अक्षय, ठीक है। बस एक फील लाने के लिए है ना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक फील लाने के लिए, शिव कुमार, ठीक। इसको एक बार और कॉपी किया और इसको एक थोड़ा सा इधर लेके गए और यहाँ पे लिख दिया मैंने आमिर खान, ठीक है। तो ये हमने तीन यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं रेड को विजिबल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि दो आगे जा रहे हैं। तो हम इसको अक्षय कुमार को थोड़ा सा इधर लेके आएंगे, ठीक है। और इसका अलाइनमेंट देखने के लिए एक लाइन यहाँ पे खींच दूँ, अब वो पता चलता रहेगा भाई अलाइनमेंट ठीक है गलत है। और इसको आप यहाँ पे लिख दो हल्का सा, ठीक। अब मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ रिलीजिंग ऑन 22 अप्रैल 2020, और हल्का छोटा कर दो और इसको यहाँ पे सेंटर कर दो, सेंटर, ठीक। अब ये एक फील आ रहा है। अब हम लास्ट में यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेवल, यहाँ पे गए और यहाँ अप्लाई किया लेवल्स, और लेवल को मुझे हल्का सा डार्क करना है, ठीक है, और हल्की सी को लाइट करनी है थोड़ा सा और डार्क। और ये देखो एक मूवी जैसा आपको फील दे रहा है। इसको मैं फुल स्क्रीन आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो ये मूवी जैसा अब आपको फील दे रहा है। अब इसमें और भी आप डिटेल ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। आप इसको कलर बैलेंस कर सकते हो हल्का सा, सिंपली आप यहाँ पे जाओगे कलर बैलेंस और हल्का सा और इसमें रेड का फील दे सकते हो, ब्लू का फील दे सकते हो, जैसा भी आप फील देना चाहो आप यहाँ पे फील दे सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका प्लैनेट रेड, ये एक मूवी पोस्टर जैसा आपको फील दे रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। और आप इसको और डिटेल में कर सकते हो आपकी मर्ज़ी, इसको आपको कैसे करना है। आप चाहो तो इसको जो हमने यहाँ पे लाइट लगाया ना उसको थोड़ा सा खींच सकते हो इधर, मतलब जो लाइट लीक हमने यूज़ किया था उसका और अच्छे से यूज़ कर सकते हो लाइक ऐसे, ठीक है। और इसको मास्क, मास्क करने के बाद उसको थोड़ा सा डिलीट कर दो नीचे से, तो ये और बढ़िया लगेगा देखने में। ये देखो कितना सही लग रहा है देखने में। तो आपने देखा इस सिंपल से इमेज से आपकी सोचने की पावर, आपकी क्रिएटिविटी से हम क्या बना सकते हैं, है ना। ये सिंपल सा एक बॉल था,
ठीक है, और इसको हमने बना दिया है एक मूवी पोस्टर, ये रहा प्लैनेट रेड। ठीक है, तो गाइस आपने देखा कि हम सिंपल से पिक्चर से फोन से क्लिक करके, वो भी रैंडम चीज का, मतलब कुछ स्पेशल चीज नहीं है, उससे हम एक मूवी पोस्टर बना सकते हैं अगर आप वैसे सोचोगे तो। तो आप लोगों के लिए टास्क है, अगर आप फ्री हो, मतलब कोई कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो इस टाइप की एक पिक्चर क्लिक करो अपने मोबाइल फ़ोन से और उसको एक मूवी पोस्टर बना के मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो। और टैग करने के लिए मुझे फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, आप मुझे ऐसे भी टैग कर सकते हो। और फॉन्ट्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, टाइपोग्राफी के बारे में, फॉन्ट्स के बारे में, तो मेरा कोर्स आपको पता है लॉन्च हो चुका है, सिर्फ 1000 रुपये का है। और गाइस परचेज करने के लिए आपको मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना पड़ेगा, वहीं पे आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा और आप इस टाइप की चीज़ें परचेज कर सकते हो। तो ये एक आइडिया था, और भी ऐसे वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। अब फिर से मैं छत पर जाऊँगा, फिर कुछ क्लिक करता हूँ, फिर कुछ बना के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक आप क्रिएट करते रहिए और घर में रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच।